सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पहले कि एक सबसे महत्वपूर्ण बिल आज जो सरकार ने पेश की है और उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं महोदय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, विभागीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी, उनके मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री और अधिकारियों का भी मैं बधाई करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण बिल को आज देश के वैसे लोगों के हित में लाने का काम किया जो आज तक देश के अन्य लोगों के साथ अपने को जोड़ना का जो ताकत जो उनके अंदर नहीं थी उनको ताकत देने का काम किया है। महोदय, आज का यह उभयलिंगी समुदाय देश में एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिए पर है, क्योंकि वे पुरुष या स्त्री के लिंग के सामान्य प्रवर्गों के फिट नहीं होते, परिणाम स्वरूप उन्हें सामाजिक बहिष्कार से लेकर के भेदभाव, शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है और आज उन लोगों को इसमें समानता लाने का काम इस सरकार ने किया है। महोदय, वास्तव में इस सरकार की जो दृष्टि है, जो उद्देश्य और मिशन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आज उस दृष्टि को भी यह बिल, यह विधेयक पूरा करने का काम कर रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं, खास करके अपने विपक्ष के साथियों को भी, कि ऐसे महत्वपूर्ण जब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब चर्चा हो तो हमें लगता है कि उसका साथ समर्थन निश्चित रूप से देना चाहिए, नहीं तो वैसे लोग समय पर माफ नहीं करेंगे, परिस्थिति और समय किसी को माफ नहीं करता है, वह माफ नहीं करेंगे। महोदय, इन लोगों की सुरक्षा के लिए जो बिल में जो व्यवस्था बनाई गई है, उभयलिंगी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग से इस बिल के खंड 6 में वह व्यवस्थित प्रावधान किया गया है। महोदय, वैसा ही खंड 5 में स्थापना अन्य व्यक्तियों की बद्धता, माने अन्य के समान समतुलता की जो व्यवस्था इस बिल में जो बनाई गई है, महोदय वह वास्तव में सराहनीय है। इसके साथ सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय, इनके एक नहीं अनेकों उपाय उसमें की जा रही है। समुचित सरकार कल्याणी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करने के जो उभयलिंगी संवेदी लंछन न लगाने वाले तथा गैर विभेदकारी हो गए, यह सारी बातें यह बिल के माध्यम से लाने का काम किया गया है। महोदय, इतना ही नहीं, इसके साथ ही इनके लिए अलग से एक उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन की जो व्यवस्था है महोदय, और ये एक समुचित है, एक व्यापक है और व्यापकता में यह लाने का काम यह सरकार ने किया है। हमें लगता है कि उनको और उनके हृदय में आज कितनी प्रसन्नता हो रही होगी, और जहां ऐसे जो आज विपक्ष के लोग कर रहे होंगे वह उनको नजर में आ रहा होगा तो कैसे इन लोगों के प्रति उनके मन में विभेद पैदा हो रहा होगा कि आज मेरे समाज में जोड़ने की समता लाने के लिए सरकार काम कर रही है और आज विपक्ष के लोग उस पर भी विरोध करने का काम कर रहे हैं। हमारे भाई साथी ये कह रहे थे कि आज जब आगे ताली बजाने का काम उस समाज के लोगों को करना पड़ता था, आज यह बिल जब पास होगा तो हमें लगता है कि वैसे यह काम उन्हें नहीं करना पड़ेगा। महोदय, हमें दो तीन बातें में महत्वपूर्ण है जो सरकार ने लाई है, मैं उसको बधाई देते हुए और सरकार को मैं यह कहना भी चाहता हूं, सरकार से यह अपना जो भाव है उसको सरकार के सामने मैं रखना भी चाहता हूं, सरकार को अपना सुझाव भी देना चाहता हूं, कैसे लोगों के लिए दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए जो व्यवस्था पेंशन की गई है,
अगर उसमें यह भी अगर किया जाता तो हमें लगता है कि उनके लिए और एक महत्वपूर्ण बात होती। मैं सरकार से कहूंगा कि अपने जवाब में जब माननीय मंत्री जी यह दें तो ऐसा करने में सरकार चूंकि सबके लिए कर रही है, आज सरकार के लिए कुछ देश के लगभग 130 करोड़ लोगों में सबका ध्यान रखने का काम सरकार कर रही है और उसमें ऐसे भाइयों और बहनों के लिए काम जो कर रही है, हमें लगता है कि उसमें यह भी जोड़ने की आज आवश्यकता है। आज वो अलग से जो अपने को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वह जो देख रहे थे और वो में उनको यह भाव और यह ताकत, सरकार की ताकत उनके साथ जुड़ेगी, साथ में परिवार के लोग भी। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि परिवार के लोग को भी लगता था कि मेरे यहाँ को ऐसा बच्चा जन्म ले लिया तो उनको भी एक अपमानित ऐसा बोध होता था, लेकिन ऐसी जो व्यवस्था सरकार कर देगी तो उनको भी लगेगा कि नहीं, भले वह ईश्वर का देन है, जन्म मरण वह जस अपजस और विधि का विधान है, वह कोई अपने से नहीं कर सकता है, कौन किस तरीका से बच्चे दिव्यांग पैदा भी हो जाते हैं, लेकिन कोई माता पिता यह चाहता नहीं है कि मेरे बच्चे दिव्यांग हो, कोई माता पिता यह नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उभय लिंगी हो, लेकिन उसके बाद भी होना तो स्वाभाविक है, होते ही है, और इसके वजह से उनको अगर पीड़ा प्रताड़ना और उनके परिवार के और खास करके माता पिता और परिवार के लोगों को भी एक अलग इन्फिनिटी उनके अंदर जो जाए, हमें लगता है कि इसको भी यह जो नियम बन रहा है, यह जो विधेयक आया है उसको भी दूर करने का काम करेगा। और महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को बधाई देते हुए मैं सरकार को यह जरूर कहूंगा विशेष रूप से कि उन लोगों के लिए चाहे जो सुविधा आपने दिया है वह सरकार बधाई की पात्र है, सरकार को जितने भी किया कहा जाए वह कम है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद किसी ने कभी सोचा नहीं और आपने इसको कर करके दिखाने का काम किया है, और आज एक नहीं यह सरकार तो अनेकों ऐसे काम कर रही है जो पिछले आज़ादी के 70 वर्षों में जो विपक्ष के लोग आज हैं वह सत्ता में रहते समस्याएं पैदा करने का काम किया था उसको भी आपने दूर करने का काम यह सरकार कर रही है, मैं इसके लिए भी सरकार को मैं हृदय से मैं बधाई करना चाहता हूँ। महोदया, यह एक ऐसा बिल है जिसे बिल के माध्यम से उस उभयलिंगी व्यक्तियों को समाज में समता का अधिकार तो मिलेगा ही, उनके मन और भाव में भी जो एक अलग विस्थापित अलग एक कैटेगरी उनके मन में था वह अभी कैटेगरी दूर होगा। अभी ओदिया अभी हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बता रहे थे तो उनके उन लोगों से जब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो परिस्थिति बनी थी और उन लोग के सीधे जो संवाद हुआ था वह बात बता रहे थे और उनके मन में कितना दर्द आ रहा था वो बात बताते हुए मैं उसे समझ सकता हूँ और समाज भी यह समझता, जो व्यक्ति ऐसा प्रतिदिन अपने ऊपर वह मन अनुभव कर रहा हो और वैसे व्यक्ति की सामने जाकर के बात सुनकर के जो पीड़ा होती है, वैसे लोगों को हमें लगता है कि महोदया निश्चित रूप से यह बिल यह विधेयक वह सुकून देगा और आज उन लोगों के मन में प्रसन्नता हो रही होगी और उनको लग रहा होगा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन कई एक मामलों में है, उसमें यह भी मामला जुड़ करके उसमें निश्चित रूप से लाभ हुआ है। महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं पुनः सरकार को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, विभाग के मंत्री को और इस सरकार के ऐसे कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ जनों को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यही इस बिल का समर्थन करते हुए विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद।